इस सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ती है कभी कभार लेफ्ट ज्वाइन की और वो हम अप्लाई करना चाहते हैं तीन टेबल या दो टेबल, तो दो तो वैसे ही हम कर रहे हैं, दो से ज्यादा अगर टेबल है, सपोज तीन है चार है, तो उस पर किससे अप्लाई होगा। तो इस सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि तीन टेबल पे जब हम लेफ्ट ज्वाइन को यूज करेंगे तो किस तरह से डेटा लाता है। तो मूव करते हैं डेटाबेस के डायग्राम की तरफ। अब मैं चाहता हूं कैटेगरी की टेबल, प्रोडक्ट्स की टेबल और ऑर्डर्स की टेबल पे हम क्या लगाएं, लेफ्ट ज्वाइन लगाएं, सही है। यानी जो लेफ्ट में टेबल होंगे उनसे डेटा सारा आएगा और राइट की टेबल से डेटा सारा नहीं आएगा। अब किस तरह से, चलें जी मूव करते हैं। सिलेक्ट कैटेगरी की टेबल से कैटेगरी का नाम, ठीक है, फ्रॉम कैटेगरी, पहले टेबल मेंशन करो फिर ये हिंटिंग देगा। ओके जी, कैटेगरी की टेबल से कैट नेम, स्पेलिंग सही लिखी नहीं भाई, स्पेलिंग गलत, मैं भी कहूं स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हिंटिंग नहीं दे रहा, सही है जी। कैटेगरी के नाम से, सॉरी टेबल से कैटेगरी का नाम, फिर प्रोडक्ट्स की टेबल से प्रोडक्ट का नाम, फिर प्रोडक्ट्स की ही टेबल से आपने प्रोडक्ट की प्राइस उठा लेनी है। यानी ये दो कॉलम चाहिए प्रोडक्ट्स की टेबल से और एक कॉलम चाहिए कैटेगरी की टेबल से। तो मैं यहां पे आके कहता हूं कैटेगरी या आप प्रोडक्ट्स लेफ्ट ज्वाइन कैटेगरी, ठीक हो गया। ऑन, ऑन लगाने के बाद आप कंडीशन देते हो ना, ऑन के बाद, क्योंकि हम इसमें ऑन यूज करते हैं लेफ्ट ज्वाइन में, इनर ज्वाइन में, राइट में या फुल ज्वाइन में, इन चारों ज्वाइन में क्या यूज करते हैं, ऑन ऑपरेटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडीशन, है ना। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वेयर क्लॉज, जब आप इक्यू ज्वाइन की बात करते हैं, सही है। ओके, मैं यहां पर आगे क्या कंडीशन लगाऊंगा कि जहां पे प्रोडक्ट की टेबल का जो प्रोडक्ट, सॉरी केट आई डी है, अगर बराबर है किसके, कैटेगरी की टेबल के केट आईडी के। अब देखिए लेफ्ट टेबल कौन सी है, अभी यहां पे प्रोडक्ट्स है ना, लेफ्ट टेबल प्रोडक्ट्स है, लेकिन अगर मैं इसको बाद में रखूं और कैटेगरी को पहले रखूं तो लेफ्ट कौन सी हो जाएगी, कैटेगरी हो जाएगी। आंसर क्लियर हो गया बेटा। तो कहने का मकसद ये है, जो टेबल पहले दोगे वो लेफ्ट टेबल होगी, जो बाद में दोगे राइट, सही है। अब अगर मैं इसको फेच करता हूं तो ये डेटा क्या लाएगा, लेफ्ट टेबल हमारी कौन सी है, कैटेगरी, तो कैटेगरी से सारा डेटा आएगा और प्रोडक्ट से सिर्फ वही प्रोडक्ट आएंगी जो हमारी मैच हो। आंसर क्लियर हो गया, ठीक। अब अगर मुझे तीन टेबल से डेटा उठाना है तो मैं क्या लगाऊंगा, फिर से लेफ्ट ज्वाइन, और तीसरी टेबल कौन सी हमारी, अब ऑर्डर्स। आंसर क्लियर हो गया, ऑर्डर की टेबल से भी डेटा उठाना है, ऑर्डर्स की टेबल से क्या उठाना है, ऑर्डर्स की टेबल से उठाना है ऑर्डर की आईडी, और ऑर्डर की टेबल से क्या उठाना है, ऑर्डर की डेट। लेफ्ट ज्वाइन में ऑर्डर्स मेंशन कर लिया, अगेन हमें क्या लगानी, कंडीशन, सही है बेटा। ऑन के बाद आप क्या लगाएंगे कि आप क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट की टेबल से अगर प्रोडक्ट आईडी बराबर है किसके, ऑर्डर्स की टेबल के प्रोडक्ट आईडी के, तो वो डेटा ला दे। अब लेफ्ट हमारी कौन सी होगी, प्रोडक्ट्स होगी, है ना। तो हमारे पास अभी कौन सी टेबल है, लेफ्ट टेबल प्रोडक्ट्स, फेच करते हैं। अब ऑर्डर्स की टेबल पे देखो कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो ऑर्डर नहीं हुई, वो आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि ऑर्डर्स टेबल राइट टेबल है। आंसर क्लियर हो रहा है बेटा, ये जो यहां तक क्यूरी है ना, दो टेबल पे थी, कौन सी, एक थी कैटेगरी दूसरी थी प्रोडक्ट्स, तो कैटेगरी और प्रोडक्ट्स में कैटेगरी की टेबल से सारा डेटा आ रहा था, प्रोडक्ट्स की टेबल से जो वही आ रहा था जो मैच हो रही थी कैटेगरी से, ऐसे ही है ना।
इसी तरह यानी कहने का मकसद ये है, अगर मैं यहां पे सेलेक्ट करके दिखाऊं कैटेगरी, दूसरी टेबल कौन सी है हमारी, प्रोडक्ट्स, इसकी वैल्यूज देख लो। ये देखिए यहां पे तीन कैटेगरीज है, दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिनकी प्रोडक्ट्स की आईडीज यहां पे मेंशन है, शो हो रही है आपको, यानी जीन्स और टी शर्ट ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कोई कैटेगरी नहीं, और यहां पे कैटेगरी है जिसका नाम क्या है, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस की कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो लेफ्ट टेबल सबसे पहले जब आप यहां पे दो टेबल पे अप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ठीक है, मैं दो टेबल को अगर मेंशन कर रहा हूं, चलें जी ऐसा कर लेते हैं, ऑर्डर्स को भी खत्म कर लेते हैं यहां तक, दो टेबल से तो देखें क्या आ रहा था डेटा, लेफ्ट टेबल से सारा डेटा आ रहा है ना, देखो स्मार्ट वॉचेस आ रही है ना, क्या जीन्स और टी शर्ट की प्रोडक्ट्स आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि लेफ्ट टेबल से डेटा पूरा आएगा और राइट टेबल से वही आएगा जो लेफ्ट से इक्वल है या आपके कॉमन कॉलम के इक्वल है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगेन जब आप ऑर्डर्स की टेबल पे अप्लाई कर रहे हो बेटा, तो ऑर्डर्स की टेबल पे आपने जैसे अप्लाई किया तो कैटेगरी की टेबल से सारा डेटा आएगा और प्रोडक्ट्स की टेबल से भी सारा डेटा आएगा, लेकिन ऑर्डर्स की टेबल से सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आएंगी जो ऑर्डर हुई है, बाकी नहीं आएंगी। तो आपकी ऑर्डर्स की टेबल से अब आधा डेटा आएगा, बाकी नहीं आएगा, सही है। तो तीन टेबल से ऐसे, अगर आपको चौथी टेबल से भी डेटा उठाना, चले चौथी का यही कंसिडर कर लेते हैं, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट ज्वाइन, अब चौथी टेबल कौन सी है हमारी, कस्टमर्स, ठीक हो गया, ये लास्ट टेबल होगा। इस पे हमें क्या कंडीशन लगानी है कि ऑर्डर्स की टेबल से, सही है, ऑर्डर्स की टेबल से क्या उठाओ, कस्टमर आईडी अगर बराबर है कस्टमर्स की टेबल के कस्टमर आईडी के, तो वही रिकॉर्ड लाओ, यानी अब वो कस्टमर नहीं आएंगे जिन लोगों ने ऑर्डर नहीं किया। आंसर क्लियर बेटा, देखो कैटेगरी सारी आएंगी, प्रोडक्ट सारी आएंगी और ऑर्डर भी सारे आएंगे, लास्ट में कौन सा टेबल बचा, कस्टमर्स ना, तो कस्टमर से वही डेटा आएगा जो ऑर्डर्स में होगा, बाकी नहीं आएगा। आंसर क्लियर है, ये इसीलिए हम दो टेबल पे ही इसको सूटेबल समझते हैं। आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट ज्वाइन को आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राइट ज्वाइन की बात करते हैं तो राइट ज्वाइन आप इसी पे अप्लाई कर दो। चले जी राइट ज्वाइन को मैं भी निपटा देता हूं, आपको जब जहां जहां लेफ्ट लिखा हुआ वहां पे क्या लगा देंगे, राइट, तो अब ये क्या करेगा, राइट टेबल में जो भी आपकी नंबर ऑफ टेबल है, अब कैटेगरी की टेबल से कौन सी स्मार्ट वॉचेस नहीं आएंगी, बाकी सारा डेटा आएगा, देख लो, क्योंकि ज्वाइन कौन सा है, राइट है ना, और सबसे पहली हमारी टेबल कौन सी है, कैटेगरी है ना, तो वो लेफ्ट कंसीडर होगी, उसको छोड़ के प्रोडक्ट से डेटा सारा उठा लेगा। फिर प्रोडक्ट की राइट टेबल कौन सी, ऑर्डर्स है ना, तो ऑर्डर से सारा डेटा उठा लेगा। फिर ऑर्डर्स की राइट टेबल कौन है, कस्टमर्स, कस्टमर से सारा डेटा उठा लेगा। आंसर क्लियर। इसी तरह अगर आप फुल ज्वाइन अप्लाई करना चाहते हो तो फुल ज्वाइन भी आप अप्लाई कर सकते, फुल ज्वाइन कैसे करेंगे जी, बस जहां जहां क्या लिखा है, राइट लिखा है, वहां क्या लिखेंगे, फुल, फुल। अब ये चारों टेबल से सारा का सारा डेटा उठा के ला देगा। आंसर क्लियर हो गया, चारों टेबल से सारा का सारा डेटा उठा के आपको शो कर देगा। अब स्मार्ट वॉचेस भी आएंगी, सारी प्रोडक्ट्स आएंगी, सारे ऑर्डर आएंगे, सारे कस्टमर आएंगे, और ये सारी चीजें आपको यहां पे शो हो जाए। आपने मेंशन नहीं किए होंगे यहां पर, सही है, कि कस्टमर्स की टेबल से क्या उठाना है, कस्टमर का नाम या व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन डेटा आएगा, ठीक हो गया।
ये देखिए भाई, आ रहे ना, कौन से क्लियर हो गया? तो फुल जो है सारी टेबल से सारा 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 का सारा डेटा उठा लेगा, यानी तकरीबन टेबल जो भी मेंशन है उनके सारे डेटा को यहां पे वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक हो गया? ओके, अब यहां पे आप कंडीशन लगा सकते हो। क्या कंडीशन लगाओगे? जो दिल कर लगा सकते हो।